हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोलॉजी करियर। तो दोस्तों, सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी रेडियोलॉजी, जो कि सबसे ज्यादा कमेंट्स आता है, सर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं इसको कि नहीं, यहाँ पे सिलेबस कैसा है, पढ़ाई कैसी होती है, टोटली इंग्लिश में पढ़ते हैं तो फिर क्या हमें प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, तो इसके बारे में आज पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों बने रहना वीडियो के साथ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, वरना आप फिर से कहोगे सर मुझे डाउट है, अभी डाउट क्लियर नहीं हुआ, आप फिर आओगे इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे, तो आज सारा कुछ आपका क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो चैनल पे सबसे ज्यादा कमेंट्स आता है मुझे कि वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने अपना 9th, 10th, 11th, 12th यानी कि अपना बेस हिंदी मीडियम से किया हुआ है, और वो कहते हैं कि सर मैं बीएससी रेडियोलॉजी करूंगा तो मुझे प्रॉब्लम तो नहीं होगी, यहाँ पे आगे की पढ़ाई बहुत ही ज्यादा मतलब यहाँ पे टफ तो नहीं होने वाली हमारे लिए, कैसे हम करें। तो आज ये डाउट आपका क्लियर होगा दोस्तों। तो मैं आपको पहली बात यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि मैं भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मैंने भी अपना 9th, 10th यानी कि 11th, 12th यहाँ पे सब कुछ हिंदी मीडियम से किया, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपना सारा सब्जेक्ट यानी कि बेस पढ़ाई अपनी सारा कुछ हिंदी मीडियम से किया हुआ हूँ, तो कोई प्रॉब्लम दोस्तों क्रिएट नहीं होती। हाँ, ये होता है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है यहाँ पे कि जैसे आप हिंदी मीडियम से होते हो तो जब आप बीएससी रेडियोलॉजी करने के लिए जाते हो फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको सारा सब्जेक्ट वहाँ पे इंग्लिश में होता है, जैसे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, साथ में बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको सब कुछ टोटली इंग्लिश में पढ़ना होता है। तो आप कमेंट्स करते हो ना कि सर मैं कर सकता हूँ कि नहीं, तो दोस्तों बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि आप देखो जब आपने 9th, 10th एंड 11th, 12th किया तो वहाँ पे आपको इंग्लिश का सब्जेक्ट मिलता है, और इंग्लिश का सब्जेक्ट मिलता है तो वहाँ पे आप पढ़ाई करते हो इंग्लिश, जैसे नॉर्मली इंग्लिश पढ़ाई करते हो वैसे यहाँ पे भी इंग्लिश ही पढ़ना है। बस बात होती है समझने की कि आप वो चीज़ जो आप पढ़ रहे हो वो आप समझ रहे हो 100% की नहीं समझ रहे हो। तो आपको एक चीज बता दूं, पढ़ाई तो थोड़ा सा टफ तो है, ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ 9th, 10th के जैसे ही मिलने वाला है, थोड़ा टफ होगा पढ़ाई यहाँ पे, तो आपको उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। स्टार्टिंग में जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में होते हो तो आप बुक्स को रीडिंग करो, जो चीज आप बीएससी रेडियोलॉजी में करना चाहते हो आप उसको रीड करो, वहां पे रीड करोगे इससे क्या होता है कि आपकी स्किल्स अच्छी होती है, और जब आप रीड करोगे ना तो रीड करने से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सारा कुछ क्लियर होगा धीरे धीरे। और कॉलेज में पढ़ने का फायदा आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप यूनिवर्सिटी में नाम लिखा लिया, आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, उसके बाद आप सोचते हो कि सर यहाँ पे टोटली इंग्लिश है, लेक्चरर आते हैं, तो हाँ दोस्तों यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके साथ हो सकता है, क्योंकि वहां पे जो लेक्चरर होते हैं वो लेक्चर देके चले जाते हैं, मोस्टली ऐसा होता है कि बड़ी यूनिवर्सिटीज में वहां पे टोटली इंग्लिश में लेक्चर देके चले गए, तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको समझ में नहीं आता 100%। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको कहता हूँ आप कॉलेज में एडमिशन लो। कॉलेज में क्या होता है, जो आपके लेक्चरर होते हैं वो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, एक बार आपको इंग्लिश में पढ़ाएंगे उसके बाद कॉन्सेप्ट आपको हिंदी में समझा देते हैं, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाता है। और आप लोग कहते हो ना कि मतलब हम इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे, तो उसके लिए सिंपल सा है दोस्तों कि आप उस बुक्स को लो और रीडिंग करो अच्छे तरीके से, एक बार, दो बार, तीन बार, जितना कर सकते हो। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन वो चीज आपको आगे चल के जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर पार करते हो तो वो चीज आपको खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको क्या होता है वहां पे कि आपको कॉन्सेप्ट समझना आ जाता है, और आप सारा कॉन्सेप्ट वहां पे समझ लेते हो तो आपके लिए पढ़ाई बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती है। मैंने भी ऐसे ही किया था दोस्तों, मेरे साथ भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था स्टार्टिंग में, बट टीचर्स ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, और टीचर्स की वजह से जो टीचर आपके सपोर्ट करते हैं ना तो वहाँ पे बेटर होता है आप लोगों के लिए कि आपकी स्किल्स अच्छी हो जाती है, और नेक्स्ट सेमेस्टर जो आपके सामने आने वाला होता है वहाँ पे आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी होती है। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं, आप आराम से एडमिशन जहाँ लेना चाहते हो वहाँ ले सकते हो। बाकी कोई प्रॉब्लम होता है आप लोग को तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलता है, आप वहाँ पे जाओ, सीधा लिंक पे क्लिक करोगे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, वहाँ पे आके मुझे मैसेज कर देना और फॉलो भी कर लेना दोस्तों, तो आपको वहाँ का सारा रिप्लाई मिल जाएगा। और कोई प्रॉब्लम होती है एडमिशन से रिलेटेड तो आपका एडमिशन मैं भी करा दूंगा, ऐसी बात नहीं करा दूंगा, आपका एडमिशन मैं भी करा दूंगा अच्छे से अच्छे कॉलेज में, बट मैं कॉलेज आपको वही बताऊंगा जो मैं देखे हुए होता। बहुत लोग कहते हैं सर मुझे महाराष्ट्र में बताओ, तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है महाराष्ट्र में, आप वहां से देख सकते हो।
और भी पूछते हैं मुझे, उत्तर प्रदेश में बताइए, बिहार में बताइए, राजस्थान में बताइए, तो मैंने चैनल पे कई स्टेट्स की वीडियो बना दी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। मैं आपको एंड स्क्रीन पे यहाँ दे दूंगा कॉलेज के नेम्स वगैरह, वहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर आपको मेरे कॉलेज में जहाँ से मैंने पढ़ाई करी, जहाँ से मैंने स्टडी करी बीएससी रेडियोलॉजी की, अगर वहाँ की डिटेल चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, वहाँ से आपको व्हाट्सएप का सारा डिटेल मिलेगा। मैं आपको कॉलेज के सारे डिटेल्स आपको शेयर कर दूंगा, आप एडमिशन वहाँ पे ले सकते हो। और कोई टफ नहीं होती, हिंदी मीडियम से पढ़े हुए स्टूडेंट भी आप पढ़ाई कर सकते हो, आपको डरने की बिल्कुल बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम है आप भाई बिल्कुल एकदम बिना डरे हुए कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई मिलता रहता है चैनल पे दोस्तों। तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स में जरूर बताना आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज बनाता रहूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।